त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा छठी संस्कृत का विषय, आज कक्षा छठी का संस्कृत है क्या विषय है, और मैं आज पार्ट 18 की हिंदी करवाने जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को बड़े अच्छी तरह समझ आएगा और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की हिंदी करते हैं। आज का विषय है 18 पाठ सुभाषितानि श्लोका। बेटा सुभाषितानि दो शब्दों के मिलन से बना है। सु है उपसर्ग जिसका अर्थ है अच्छा, भाषित भाषण, ठीक है। सु प्लस भाषित, सुभाषित जो जिसका अर्थ होगा सुंदर भाषा में कहा गया। कवि ने इन श्लोकों में सुंदर भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है बेटा। इसका अर्थ आपको पता लग गया, पाठ का अर्थ के विषय में आपको पता लग गया। तो आप देखिए पहला हमारा श्लोक है उद्मेन की सिद्धांति कार्याणि न ममोथई नैहि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मृगे मुखे मृगा। कहने का तात्पर्य इसका ये है, उद्मेन पहले में से किए श्लोक के शब्द की हिंदी बता देती हूँ। उद्मेन परिश्रम ही सिद्धांति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य से, नै नहीं मनोर्थई इच्छाओं से, मन की इच्छा से, नै नहीं ही सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, परिवशन्ति प्रवेश करते हैं मुखे मुख में, मृगहा मृगहा हिरण। अब इस पूरे की हिंदी देखिए कि उद्मेन की सिद्धांति कहता है परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। फर्स्ट लाइन की हिंदी क्या होगी, उद्मेन की सिद्धांति कि परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। कार्याणि न ममोर्था, इच्छा रखने से कार्य सिद्ध नहीं होते। कहने का तात्पर्य है बेटा इसका कि आप अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपके जीवन में कोई भी सफल कार्य नहीं होगा, आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमने मन में इच्छा कर ली और हम किसी कार्य को करना चाहते हैं, सिर्फ मन में इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। जब तक बेटा हम उस पर मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो कार्य आपका सफल नहीं होगा। तो इसी तरह इसने बताया है कि परिश्रम करने से कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। कहते हैं जिस प्रकार, उदाहरण भी दिया है आपको कि जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में, मुख मतलब मुंह, कहते हैं जिस प्रकार, अब सेकंड लाइन की हिंदी ये कहते हैं जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है अगर व्यक्ति को भूख लगती है तो वो कमाने भी जाएगा बेटा, मेहनत करेगा, फिर उसको भोजन मिलेगा, तभी वो अपने पेट की जो पूर्ति है तभी तो समाप्त करेगा, तृप्ति को तभी समाप्त करेगा ना, जब परिश्रम करेगा, मेहनत से कुछ कमाकर करेगा। इसलिए कहता है कि शेर भी अपना शिकार के लिए मेहनत करता है, इस तभी उसको भोजन प्राप्त होता है, ठीक है। अब अगला देखें, समझ आ गया। इसका भाव क्या है, इसका भाव यह है कि परिश्रम करने से ही, मेहनत करने से ही हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मन की मन में इच्छा रखने से नहीं। अब अगला देखें, आयम विजय है परो वेदी गन्ना तदु चेत समा उदार चरिता नाम तु वसुदेव कटु कुटुंबकम। कहते हैं आयम निजे है, आयम यह है, निजे अपना, परोवेति अथवा पराया, यह अपना है अथवा पराया है। गन्ना लघु चेतन कहते ऐसी छोटी सोच वाले व्यक्ति मानते हैं, कहते जिसका मन छोटा है, जिसकी सोच छोटी है, वो व्यक्ति यह अपना है, यह पराया है, उसका है, ऐसे ऐसी वो भावनाएं रखते हैं, ठीक है। उदार चरिता नाम, उदार मतलब बड़े हृदय वाले, खुले दिल वाले जिसको बोलते हैं, कहते हैं उदार चिंता नाम उदार हृदय वाले व्यक्ति के लिए तो वसुदेव है। वसुदेव होते हैं पृथ्वी, जो हमारी पूरी धरती है, कहते हैं उदार हृदय वाले लोग तो सारी पृथ्वी को ही कुटुंबकम परिवार के समान मानते हैं। उदार हृदय वाले जो लोग हैं वो सारी पृथ्वी को ही एक परिवार के समान मानते हैं।
क्लियर बेटा, इसका भाव क्या होगा? इसका भाव यह है कि जो छोटी सोच रखते हैं, जो छोटी सोच रखते हैं वो क्या है, वह अपने पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, और जो बड़े हृदय वाले हैं, जो उच्च सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, उनके लिए सब पृथ्वी ही एक परिवार के समान है। ठीक है, आप तीसरा देखें। प्रिय बात बोलने से सर्वे सभी तुषंती जनपाह, जनपाह का प्राणी, सभी प्राणी खुश होते हैं। फर्स्ट लाइन की होगी कि प्रिय वाक्य बोलने से या प्रिय को बात बोलने से सभी व्यक्ति खुश होते हैं। ये तो हकीकत है बेटा, अगर आप मीठा बोलोगे तो सभी खुश होंगे। ठीक है, तस्मात तदेव वक्तव्य कहता है, अतः है हमें प्रिय ही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय बात बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं, इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी, दरिद्रता मतलब गरीबी, क्या कंजूसी, गरीबी कह सकते हो, कि मीठा बोलने में क्या कंजूसी। इसका भाव यह है कि हमें सबके साथ मीठा बोलना चाहिए, और मीठा बोलने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक मुझे मेरा जितना समझ आ गया बेटा। ठीक है बेटा, चलो फिर आगे चलते। काव्य शास्त्र विनोद ने कालोगस्ती थी धीमता, व्यासने क्या मूर्खा नाम निंद्रा प्रलेहन वा। कहता है काव्य शास्त्र विनोदना, काव्य शास्त्र विनोदना कि काव्य शास्त्रों के पढ़ने में कालोगस्ती धीमा, कहते बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के पढ़ने में व्यतीत होता है। फर्स्ट लाइन की होगी कि बुद्धिमान लोगों का समय कैसे काव्य शास्त्र पढ़ने में बीतता है, अर्थात बुद्धिमान लोग जो हैं वो इधर उधर बातें करके अपना समय खराब नहीं करते, अपना समय व्यतीत नहीं करते, वो तो एक अच्छी किताबें वेद शास्त्र इनको पढ़ने में अपना समय बिताते हैं। वैसे मूर्खाना और मूर्ख लोगों का समय, वैसे होता खर्च करना, मूर्ख लोगों का समय निंद्रा कलहन वा, निंदा कलहन होता है लड़ाई झगड़ा। कहता है मूर्ख लोगों का समय किसमें, मूर्ख लोगों का समय कामों में, किस कामों में, निंदा के कामों में, लड़ाई में अथवा नींद में व्यतीत होता है। बुद्धिमान लोगों का समय शास्त्र पढ़ने में होता है, और मूर्ख लोगों का समय लड़ाई झगड़े और नींद में व्यतीत होता है, दूसरे के चुगलियों में भी व्यतीत होता है। इसका भाव यह है कि हमें बुद्धिमान लोगों की तरह समय बिताना चाहिए, अच्छी बातें सीखनी चाहिए, अच्छा व्यवहार सीखना चाहिए, और संस्कारी बंधुओं के साथ बैठना चाहिए, सत्संगति में बैठना चाहिए। ठीक है बेटा, अगला देखो। सर्व लक्षण हीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धानो अनुश्रियश च शतम वर्षाणि जीवित। सर्व लक्षण हीनो अपि, कहते सभी लक्षणों से हीन होने पर, यह जो कहते सभी लक्षणों से हीन होने पर भी यदि व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, सदाचार अच्छे आचरण वाला नरः व्यक्ति, सर्व लक्षण हीनो सभी लक्षणों में भी, यह जो कहते जो व्यक्ति सभी लक्षणों में हीन होने पर भी यदि अच्छे आचरण वाला है, ठीक है, श्रद्धावान है और तथा किसी से ईर्ष्या न करने वाला है, अनुसूय सच है और किसी से ईर्ष्या न करने वाला है, तो वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। कहने का तात्पर्य है बेटा कि सभी लक्षणों में हीन है और क्या है, अच्छा व्यवहार वाला व्यक्ति है, मान उसको कोई लक्षण नहीं है, उसमें कोई अच्छे लक्षण नहीं है, सिर्फ वो दूसरों के साथ व्यवहार अच्छा करता है, ना उसे बोलने का ढंग है, ना बैठने का ढंग है, ना पहनने का ढंग है। फॉर एग्जाम्पल दे बेटा, मगर वो क्या करता है, दूसरों से व्यवहार बड़ा अच्छा करता है, कोई आता है तो उसका मान सम्मान करता है, तो वो कहता है कि भाई सभी लक्षणों में हीन होने पर भी यदि व्यक्ति का अच्छा व्यवहार है और वो ना तो किसी से ईर्ष्या करता, भी कोई कुछ करे उसको कोई किसी से मतलब नहीं है, ठीक है, और वो व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, वो व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है।
क्यों क्यों जीवित रहेगा? क्योंकि वो तो किसी से स्ट्राइक नहीं करेगा, निशान नहीं करेगा। तो बेटा पता ही है, रोग शरीर में कोई रोग ही नहीं होगा, और शरीर में कोई रोग नहीं होगा वो लंबे समय तक जीवित रहेगा, सही चलेगा। ठीक है, इसका भाव यह है कि हम सभी व्यक्ति, जो व्यक्ति सभी लक्षणों पर लीन होना हो रहा है, होता है या हो रहा है, मगर फिर भी उसमें अच्छे आचरण का व्यवहार है और दूसरे के प्रति श्रद्धा रखता है, ईर्ष्या नहीं रखता, वह व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है। यानी कि मरने के बाद भी उसको लोग याद करते हैं, लंबे समय तक जीवित रहना, यानी कि वो ऐसे ही जीवित रहेगा, नहीं, मरने के बाद भी लोग उसकी बातें, उसका व्यवहार याद रखते हैं। ठीक है, तो वो 100 वर्षों तक ऐसे जीवित रहता है। दरिता,
जंतव्य है सर्व, तो क्या आएगा जंतव्य है लोग। प्रिय वाक्य बोलने से सभी पर्सन होते हैं, कौन होते हैं लोग, व्यक्ति, ठीक है, जंतव्य से व्यक्ति। अगला देखिए उद्मेन ही सिद्धांती, खाली स्थान ही सिद्धांती कारण में नोट है, किसके करने से कार्य सिद्ध होते हैं, उद्मेन मेहनत करने से, ठीक है। परोपकार खाली स्थान है वृक्ष, दूसरों की भलाई के लिए वृक्ष क्या देते हैं, फलंती फल देते हैं। तस्मै खाली स्थान नमः है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, किनको, गुरुवे गुरुओं को। तो अब है शास्त्र विनोदना, काव्यवस्ती काव्य शास्त्र पढ़ने के पढ़ते हैं, पढ़ने में जो समय व्यतीत करते हैं कौन करते हैं, मूर्खाना मूर्ख लोग नहीं, खगाना पक्षिया नो, धीमता बुद्धिमान लोग, धीमता का पता है बुद्धिमान लोग, तो यहाँ पर बुद्धिमान लोग है, ठीक है बेटा। अगला देखो एक पद में उत्तर, एक पद में उत्तर दीजिए, उद्मेन ही कानी, उद्मेन ही कानी सिद्धंती, परिश्रम करने से क्या सिद्ध होते हैं, कार्याणी, कानी की जगह क्या आएगा कार्याणी, कार्य सिद्ध होते हैं, ठीक है। प्रिय वाक्य प्रदाने के तो शांति, प्रिय वाक्य बोलने से कौन खुश होता है, जंतव है जंतु मनुष्य, के शाम समय काव्य शास्त्र विनोदा दस्ती, धीमता धीमता के शाम की जगह जाएगा धीमता, की दर्शन रहे सतम वर्ष जीवित है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे, सदाचार मां जिसका व्यवहार अच्छा होगा। वृक्ष की मर्थम फलंती परोपकार है, वृक्ष की मर्थम की जगह आ जाएगा परोपकार है, और की दृश्य की जगह आएगा सदाचार, ठीक है बेटा। अब इसके हम करेंगे पूर्ण वाक्य, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य उत्तर दीजिए, नदह की मर्थम वहंती, नदह की मर्थम की जगह आ जाएगा परोपकार वहंती, मतलब नदी किस लिए बहती है, परोपकार है, दूसरी के भलाई के लिए बहती है। साक्षात परम ब्रह्म है क्या, जो साक्षात परम ब्रह्म है कौन है, कहते हैं गुरु, क्या की जगाएगा गुरु, साक्षात परम ब्रह्म है गुरु आसी, मूर्खा नाम समय कथम गस्ती, मूर्ख व्यक्ति जो है वो समय किस लिए खर्च करते हैं, कैसे बिताते हैं, देखिए मूर्खा नाम समय वैसे निंदा कलहेन वा कस्ती, मूर्ख लोग जो है वो अपना समय लड़ाई झगड़े में दूसरों की निंदा में या और सोने में व्यतीत करते हैं। उदार चरितना वसुधा की दृष्टा थी, तो यहाँ पर आएगा उदार चरितना वसुधा की दृष्टा, एक कुटुंब कबीर हासी, भाई बड़े हृदय वाले पूरी धरती को भी अपने परिवार के समान मानते हैं। मरगा कस्य मुखे न शांति, मरगा यानी हिरण किसके मुख में प्रवेश नहीं कर सकता सोए हुए शेर के में, तो यहाँ पर लिखेंगे मरगाहा सुप्तस्य सिंहस्य मुखेन परिश्रन्ति, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दां तेषां अर्थं सहमिलन, निम्नलिखित शब्दों के उनके अर्थ में मिलाइए। अब देखिए कार्याणि काम, परिवशन्ति प्रवेश करते हैं, वसुधा पृथ्वी, जंतव है जन प्राणी या लोग, धीमता बुद्धिमान, जीवित जीता, ठीक है बेटा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित पदानि आदित्य प्रश्न निर्माण को बताएं, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अब हमें प्रश्नों का निर्माण ये जो नीचे अंडरलाइन करके ना इसकी जगह हमें क्वेश्चन बनाना, प्रश्न बनाना, देखो सर्वे जनता है प्रिय वचने तुषंति, वचने आएगा तो वहां पर आएगा केन, ठीक है, बहुवचन है तो केन बहुवचन में ही आएगा, कार्याणि मनोर्थेन सिद्धन्ति कई, मनोर्थेन कई आएगा यहाँ पर, गवाह परोपकार है दुहंती, काला है तो क्या आएगा किमर्थम, वे दूध दूसरों के गाय जो दूध दूसरों के लिए देती है तो किमर्थम किस लिए, सदाचार मान है शतम वर्षों में तो क्या आएगा की दृश्य है, कैसे वचने दरिद्रता ने उचती कस्मीन, ठीक है। आगे देखिए निम्न पदानां सहायता संस्कृत वाक्य में वाक्य रचन, निम्न शब्दों के सहायता से संस्कृत में वाक्य रचिए, मृगाहा मृगाहा तिलं धावन्ति, वे मृगा तेज दौड़ता है, आयम आयम मम विद्यालयम अस्ति, मैं विद्यालय हम यह मेरा विद्यालय है, गस्ति सैट कुत गस्ति वह कहाँ जा रहा है, जीवित सुनील अज्ञा सुखे जीते, सुनील अब सुख से जी रहा है, गवाह है गाय, गवाह है अस्मि अहम् दुग्धमेषन्ति, गाय हम सबको
दूध देती है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है बेटा ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा और वीडियो की सहायता से आप इसे अपनी कॉपी पर करेंगे। धन्यवाद।